गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अचीवमेंट इन ऑल में। आज है शनिवार और ये सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं सोकर उठती हूं तो सीधा बालकनी ही आती हूं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप देख रहे हैं। शुक्रवार को मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था, तो शुक्रवार को मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने सूट एक सिला था जो कि आज पहनकर मैं आपके सामने आने वाली हूं। अभी आप देख रहे हैं छत से, अगर आपको साइड से कुछ आवाज़ आ रहा है तो अगल बगल लोग योगा कर रहे हैं, हमने अभी शुरू नहीं किया है। अभी मैं जाऊंगी, मॉर्निंग ड्रिंक जो भी लेना है वो लूँगी। और बालकनी में आप देख रहे हैं जो रात में कपड़ा उठा कर रखा था उसको फिर सुबह मैंने डाल दिया, क्योंकि रात में कभी भी बारिश हो सकती है, इसीलिए कपड़े को मैं अंदर कर लेती हूँ, सुबह डाल देती हूँ। तो ये सुबह सुबह बाहर का दृश्य देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ये है आज है शनिवार, और उसके बाद हम छोटा छोटा आपको क्लिप दिखाएंगे जो हमने ड्रेस बनाया है कल, जो मैंने काम किया, जो व्यस्तता थी मेरी इसलिए मैं आपके लिए ब्लॉग नहीं ला पाई। तो चलिए उसको देखते हैं। तो ये देखेंगे, मैंने इस कपड़े का अपना ड्रेस बनाया और ये ड्रेस के नीचे का ये जो बॉर्डर था इसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मैं एक बिल्कुल नए तरीके से मैंने कुर्ती बनाई है। इस बॉर्डर को मैंने गले पर डाला हुआ है और इसको निकाल कर और अपने लंबाई से अपने माप के अनुसार, माप वगैरह तो मैं डिटेल में इसमें नहीं डाल रही हूँ, समय लग जाता क्योंकि चूँकि मेरा ये ब्लॉगिंग का वीडियो है, लेकिन आगे से मैं कोई ड्रेस बनाऊँगी तो वीडियो ज़रूर डालूँगी। ये देखेंगे आप मेरा सलवार, इसमें मैंने अभी कमर में पट्टी नहीं लगाई है और ये मोरी मैंने 6 इंच का तैयार किया है। ये कपड़ा कम पड़ गया था तो मैं सूट के कपड़े का ही इसमें कमर की पट्टी लगाऊँगी जो कि बचा है काफ़ी, तो जल्दी जल्दी मैंने सूट काटा था। ये शुक्रवार है और इसके पहले जो गुरुवार था, गुरुवार के दिन कुछ अमेज़ॉन से मैंने पार्सल मंगवाया था जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी क्या क्या मैंने मंगवाया था, तो उसको भी मैंने इस ब्लॉग में ऐड किया हुआ है जो अमेज़ॉन से पार्सल आया है। तो गुरुवार को भी मैंने नहीं बनाया था वीडियो और शुक्रवार को भी मैंने नहीं बनाया था। शुक्रवार को तो पूरा दिन, गुरुवार को कटिंग किया और शुक्रवार को स्टिचिंग। और ये देखेंगे अब मैं नीचे आई हूँ, ये गुरुवार का है और ये अमेज़ॉन से आया है, मेरा जो डिलीवरी आया है यहाँ पर मैं पेटीएम वगैरह कर रही हूँ। और जो सामान था वो मैं गुरुवार से ही मैंने रखा हुआ है बालकनी में, आप देखेंगे इस तरह से बारिश भी हो रही है, ऐसा कोई सामान इसमें नहीं है जो कि नुकसान पहुँचेगा। और आप अब जो ये ब्लॉग शुरू हुआ है आज शनिवार का, आज के मॉर्निंग से मेरा नाश्ता वगैरह सब हो गया है, समय हो रहा है अभी 7:45। और इसी तरह मैंने मूंग का छोला बनाया था और हस्बैंड के लिए ये चूड़ा फ्राई किया था, मिक्सचर बादाम वगैरह। और सुबह का किचन देखिए, ये प्याज और नींबू जो मैंने उसमें खाया था तड़के में, और वो आपने देखा मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। इस कढ़ाई में मैंने अभी चूड़ा फ्राई किया था और ये आम इधर रखा है, और ये रात का धुला हुआ बर्तन जो कि मैंने नहीं लगाया है, और ये थाली सिंक में जिसमें मैंने चूड़ा फ्राई किया था। तो ये उनका भी नाश्ता हो गया है, मैंने भी नाश्ता कर लिया है, बाबू ने भी कर लिया है। अभी लगभग 7:45 बज रहे हैं, ये चाय पीकर निकल जाएंगे, फिर खाने जब भी 10-11 बजे आएंगे, और ये जब चाय पीकर निकल जाएंगे तब फिर मैं किचन के काम में लगूंगी। तो ये आप देखेंगे अब ये चाय पीकर निकल चुके हैं और लगे हाथ लगभग 8 बज रहे होंगे, अब मैं किचन आ गई हूँ और देखिएगा किचन का काम किस तरह से निपटाती हूँ मैं। ये तो हर दिन करना ही पड़ता है, ये होता है कि ऑफ़िस का टाइमिंग कभी 10:30 बजे जाते हैं, कभी सुबह जाते हैं, तो उसके अनुसार अपना भी सारा रूटीन चेंज करना होता है। तो आज तो मैंने योग वगैरह किया, उसके बाद मैं किचन आ गई, अपना नाश्ता बनाया, तो इनके लिए चूड़ा फ्राई किया, अभी खाना भी मुझे बनाना है। ये सारा चाय का जो भी चाय और नाश्ता का जितना भी बर्तन है इसको मैं धुल लूँगी। और किचन को आपने देखा मैंने पूरी तरह से पोंछ लिया है, अब मैं सीधा कपड़ा धुलने के लिए चलूँगी। 2-3 दिन का कपड़ा भी जमा हो गया है, आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना है। तो सबसे पहले उस कपड़े को मैंने निकाल कर रख दिया जिसे मुझे हाथ से धुलना है, शिफॉन का दुपट्टा वगैरह, और जिस कपड़े को मशीन में धुलना है उस कपड़े को मैं मशीन में डाल दूँगी। मैं एप्रॉन पहन कर ही आ गई थी, मुझे लगा किचन में कुछ और काम है, लेकिन किचन का काम तो मैंने निपटा लिया है। जब तक ये कपड़ा साफ़ होगा तब तक मैं ये बेडशीट चेंज कर लूँगी। और आपने देखा था उस दिन मैंने आपके सामने में समेटा था, और डेली वियर क्लॉथ जो रोज़ हम लोग कपड़ा पहनते हैं, सोफ़ा कवर बेडशीट वगैरह इसी गोदरेज में रखते हैं, ये गोदरेज हॉल में है और ये पुराना है। तो चलिए बेडशीट अब लगा लेते हैं। तो मैं जो जो काम करूँगी, जहाँ जहाँ जाऊँगी मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे ही रहता है, आप देख ही रहे हैं। ये गर्म पानी करके रात में रखते हैं, गर्म चीज़ों का हम लोग अभी ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, बाबू भी पानी मांगता है तो गर्म पानी ही देते हैं।
और ये बेड पे रोज़ एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ तो नहीं हो पाता है, ये झाड़ना ही होता है, गंदा पता नहीं कैसे हो जाता है। अब मैं रख रही हूँ, ये भी रख रहा है, बहुत परेशान करता है। इसको देखते हुए सारा काम करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन बस नियमित अगर आप करेंगे और रूटीन के अनुसार करेंगे तो सारा काम बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो यहाँ मैं बेडशीट चेंज करूँगी, तब तक कपड़ा मेरा साफ़ हो रहा है। उसके बाद मैं हॉल का भी बेडशीट चेंज कर लूँगी, तब तक मेरा कपड़ा भी सूख जाएगा। फिर मैं जो गेस्ट रूम में सोफ़ा है उसके कवर सबको भी मैं ठीक कर लूँगी। हालांकि सुबह उठकर मैं चादर वगैरह तान कर देती हूँ, सोफ़ा कवर भी ठीक कर देती हूँ, लेकिन बाबू बार बार ख़राब कर देता है। तो ये देखेंगे, ये टेडी बियर बोल रहा है ऐसे रख दो, मैंने रख दिया अपने से एक टेडी बियर, ये रखा है। तो अब चलिए हॉल में चलते हैं। अब हॉल का देखिए क्या हाल है, पूरा खिलौना इनका बिखरा हुआ है, बेडशीट वगैरह इस तरह से कर देते हैं। और ये जो मेरा घर है चारों तरफ से बिल्कुल रोशनी वाला है, मतलब कैमरा भी रखने में भी मुश्किल होता है, हर जगह खिड़की से रोशनी आती रहती है। तो अब यहाँ का भी मैंने चादर चेंज कर दिया, और जो कपड़ा अब हो गया है उसको मैं ड्रायर में डाल दूँगी, और इस साफ़ करने वाले में मैं चादर डाल दूँगी। और कपड़ा तो जो रात में जो उठाकर मैंने रखा था, चूँकि शाम में ये आए थे तो ये आते हैं तो फिर नहाते हैं, फिर वो कपड़ा धुलते हैं तो बाहर तो डाल देते हैं, लेकिन रात होने के पहले अंदर कर लेते हैं, क्या पता कब बारिश हो जाए। अब इस रूम को थोड़ा टिक कर लेते हैं। तो आप लोगों में से कोई भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, पसंद ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल तारतम्यता से काम को दिखाती हूँ, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक जो मैं करती हूँ जैसे करती हूँ, और 9 बजते मेरा सारा काम कम्प्लीट हो जाएगा। आपने देखा अभी किचन का काम हो गया है, कुछ सब्जी जो कि बालकनी में है वो कल आए थे तो लेते आए थे, उसको भी धुलना है हमें। तो ये किचन में मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ, अब एक बार किचन आई हूँ तो जितना बर्तन धुला था रात का, और अभी रात का तो मैंने रख दिया था, अभी का जो भी था वो सब मैंने लगा दिया, बर्तन कप वगैरह सब कुछ लगा दिया। ये मखाना था रात में वो लाए थे, तो कल फास्टिंग था मेरा, लेकिन पहले के मखाना का मैंने खीर बना लिया था, तो इसको इसी तरह मैंने रखा था, तो उसको भी मैंने धुल लिया। और सारे सब्जी को मैं कठौत में डाल दूँगी, जो फूड वाशर है उस लिक्विड को डालकर मैं यहाँ पर सब्जी को छोड़ दूँगी। और उसके बाद सारे बर्तन को लगा दिया, काम करते करते प्यास भी लग जाती है, इधर मेरा कपड़ा भी हो गया। अब जो है सारे कपड़े को ड्रायर से मैं निकाल लूँगी और बेड शीट को ड्रायर में डाल दूँगी। तो चलिए देखते हैं, अब कपड़े को लेकर बालकनी में जाएंगे, लेकिन वहाँ तो धूप इतनी है कि अभी तो धूप है सुबह, जबकि बारिश जैसा मौसम हो रहा था, तो बालकनी का तो आपको वीडियो आएगा नहीं। आपने देखा मैंने क्या क्या किया, अभी मैंने किचन में सब्जी को पानी में डाल दिया है, मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है, और अभी बज रहे हैं 9, यानी कि 8 बजे वो निकले और अभी 9 बज रहा है। 1 घंटे में मैंने इतना काम निपटाया, तो मैंने ये कह दिया कि आप आने के आधे घंटे पहले मुझे फ़ोन करिएगा, आधे घंटे में मैं खाना बना दूँगी, क्योंकि किचन में कोई ताम झाम है नहीं। और अभी तो वो देख रही हूँ मैं, हम लोग जिसको परोल कहते हैं बिहार में, उसको परोल भी कहते हैं, तोरी भी कहते हैं, वो लाए थे और बोड़ा लाए थे, तो और भी पहले से कुछ सब्जी है जैसे कि भिंडी है, परवल है, तो देखते हैं क्या सब्जी बनाते हैं। तो अभी दाल चावल और सब्जी बना देंगे जब तक वो पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, तो धूप तो बहुत तेज़ निकला हुआ है, इतनी तेज़ धूप निकली है, और आपने देखा रात का कुछ कपड़ा रखा हुआ था उसको मैंने बालकनी में डाल दिया है। अब 15-20 मिनट में वो कपड़े सूख जाएंगे, फिर जो कपड़ा मैंने अभी धोया है उस सारे कपड़े को मैं बालकनी में डाल दूँगी। बालकनी का दिन के समय सूट नहीं होता है, क्योंकि लाइट जो होता है नेचुरल लाइट पड़ता है तो कैमरा जो है काम नहीं करता है, इसलिए वो कपड़ा डालने का मैं बालकनी का सूट नहीं कर पाती हूँ। और कुछ सामान है जो कि मैंने आपको दिखाया है, अमेजोन से मैंने कुछ सामान मंगवाया था जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगी वो क्या है, तो उस सामान को भी मैंने 2 दिन से बालकनी में छोड़ा हुआ है, और बारिश में वो पूरा भींग चुका है। अब मैं उसको सैनिटाइज करके उसका जो भी रेपर है उसको मैं हटा दूँगी, और फिर देखूँगी उसमें क्या सामान है, और उसके बाद हम लोग अब सीधा मिलेंगे किचन में जब दिन का खाना बनाएंगे। और आप ये जो सूट देख रहे हैं, ये सूट मैंने कल बनाया है और आज इसको आपने आपके सामने में पहना है, और आपको मैं ये बता दूँ ये जो सूट है ये किस तरह से था और मैंने किस तरह से इसको बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूरा फुल ड्रेस दिखा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ मैंने किस तरह से बनाया है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं
10:30 के आसपास, वो 11:15 तक आ जाएंगे और मैं बनाने जा रही हूँ ये तूरी, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब मिलाकर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और सबसे पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ इंडक्शन पे और सब्ज़ी इसका बना लूँगी मैं। और दाल के लिए जो मैंने सुबह अपने लिए नाश्ता बनाया था मूंग का तड़का, मुझे लगा था ये लेट से ऑफिस जाएंगे तो यही मैं उनको भी नाश्ता दे दूँगी, लेकिन ये सवेरे निकल गए और इन्होंने कहा कि मैं चूड़ा फ्राई खाऊंगा तो वो बच गया था। तो अभी तो 2 घंटे हुए हैं बनाने से, 2-3 घंटे, तो मैं उसी को, ये जो तो ये देखेंगे आप मूंग, इसी को मैं अभी दाल के रूप में इसको बना लूँगी। और जो तोरी के लिए मसाला तैयार करूँगी वही मसाला इसमें डालकर इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। तो देखिएगा, मैं इस तोरी की सब्ज़ी को बनाने के लिए पूरा डिटेल तो नहीं बताऊँगी। और ये जो सब्ज़ी मैंने पानी में डाला था इसको धुल कर मैंने रख दिया है। और ये देखेंगे, ये दूध अभी जो बीच में मैं किचन एक बार आई थी तो दूध जो आया था, दूध ले लिया था, उसको गर्माया था। किचन से आप पूरी तरह सोचेंगे मुक्ति मिल जाए, वो संभव नहीं है। मैं 9 बजे फ्री होकर निकल गई थी, अभी मैं 10:30 के आसपास आई हूँ, लेकिन इसके बीच में भी मैंने आकर ये 1-2 काम किया था। और यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो गया है, इसमें मैंने हींग डाला, 5 फोड़ना लाल मिर्च डाला, हालांकि तीखा नहीं डालती हूँ क्योंकि बाबू नहीं खा पाता है, लेकिन लाल मिर्च से स्वाद अच्छा होता है। लेकिन जब टेस्ट किया था ये सब्ज़ी काफ़ी तीखा हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला और प्याज को पकने तक हल्का नमक डाल दिया। जब ये प्याज हल्का ब्राउन हो गया तो फिर मैंने इसमें टमाटर डाला और मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डालूँगी क्योंकि एक पतंजलि का मसाला है, वो इतना टेस्टी होता है कि गरम मसाला वगैरह कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब मसाला पक गया तो वही मसाला निकाल कर मैंने इधर उबलती दाल में डाल दिया और फिर उसमें मैंने तोरी को डाल दिया और नमक डालूँगी, थोड़ा सा पानी क्योंकि मैंने बिल्कुल थोड़ा तेल डाला था तो वो अंदर जलने सा होने लगता है, इसीलिए मैंने आलू भी डाल दिया। और ये देखिए, इस तरह से ये पूरा जो है तोरी की सब्ज़ी पक गई है और काफ़ी टेस्टी बना था। उसके बाद मैंने वो पतंजलि का मसाला 1/2 चम्मच डाला और 3 मिनट तक और पकने दिया और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी। तो डियर, मेरा खाना तैयार हो गया है, मेरे हस्बैंड आ भी गए हैं, अब हम खाना लगा लेते हैं। आशा करते हैं मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट कर बताइएगा आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, मेरा सूट कैसा लगा ये भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं हम आपसे अपने एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। बने रहिए आप इस चैनल के साथ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।